नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए एक नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उन्हें एम्स में फुल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। पिछले 36 घंटों में उनकी हालत और ज्यादा खराब हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री का हालचाल जानने के लिए आज सुबह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू एम्स पहुंचे। इसके अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता ट्वीट कर वाजपेयी के दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। वहीं देश भर में उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआएं की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के छात्रों ने भी वाजपेयी के स्वस्थ होने के लिए गुरुवार सुबह हवन पूजन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का आज 50वां जन्मदिन है। इस मौके पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री केजरीवाल को बधाई दी है। बाढ़ के कारण दक्षिण रेलवे और कोची मेट्रो ने आज अपना परिचालन निलंबित कर दिया, जिससे मध्य केरल के कई हिस्सों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली चरमरा गई। लगातार हो रही बारिश के कारण पेरियार नदी में जलस्तर बढ़ गया है और मुल्लपेरियार, चेरुतुनी, इडुकी जलाशय और इदामालायर सहित सभी प्रमुख बांधों के सभी फाटक खोल दिए गए हैं। लगातार बारिश और पेरियार नदी पर बने बांध का फाटक खोले जाने के चलते कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पानी घुस गया है। एयरपोर्ट प्रशासन ने वहां से शनिवार तक सभी उड़ानों का परिचालन निलंबित कर दिया है। आने जाने वाले सभी उड़ानों को तिरुवनंतपुरम या कालीकट स्थानांतरित कर दिया। देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग ने संकेत दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बुधवार को कहा कि यदि लोकसभा चुनाव समय से पहले कराने का फैसला किया जाता है तो चुनाव आयोग लोकसभा और 4 राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा सकता है। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और पूर्व चीफ सिलेक्टर अजीत वाडेकर का मुंबई में निधन हो गया। वह 77 साल के थे। वाडेकर पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। 1 अप्रैल 1941 को मुंबई में जन्मे वाडेकर ने मुंबई के जसलोक अस्पताल में अंतिम सांस ली। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष के इस्तीफे पर अभी भी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। एक और जहां पत्रकार से नेता बने आशुतोष औपचारिक इस्तीफे की घोषणा कर चुके हैं, वहीं आम आदमी पार्टी उनके इस्तीफे को मंजूर करने से साफ इनकार कर चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आशुतोष को मनाने में जुटी आम आदमी पार्टी को सफलता नहीं मिली है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और बंगलान प्रांत में बुधवार को आतंकी हमले हुए, जिनमें लगभग 78 लोगों की मौत हो गई और 67 लोग घायल हो गए। बुधवार को काबुल में एक क्लासरूम में हुए बम धमाके में 48 छात्रों की जान चली गई और 67 लोग घायल हो गए, जबकि बंगलान प्रांत में हुए तालिबानी हमले में 30 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। इटली के शहर जिनुआ में बुधवार को पुल ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच सरकार ने हादसे के लिए देश की मोटरवेज की प्रभारी कंपनी को जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग लुमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्ड के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।